प्रेगनेंसी के बढ़ते वजन को लेकर परेशान थी आलिया। राखी सावंत को किया गया था रेस्ट। कॉन्ट्रोवर्शियल सॉन्ग बेशरम रंग पर किंग खान ने दिया बयान। डालिए इस हफ्ते की मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल न्यूज पर एक नजर। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की एंगेजमेंट पार्टी में मम्मी ऐश्वर्या के साथ आराध्या नजर आईं। इस दौरान अपने लुक को लेकर वो बुरी तरह से ट्रोल हो गईं। एक लेटेस्ट इंटरव्यू में राधिका मदान ने टीवी इंडस्ट्री को लेकर एक बयान दिया था, जिसकी वजह से उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। अब टीवी की क्वीन एकता कपूर ने भी राधिका के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इंटरव्यू का क्लिप इंस्टा स्टोरी पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, दुख और शर्मिंदगी की बात है, एक्टर्स का अपनी साख के प्रति कोई सम्मान नहीं है। राखी सावंत हुई अरेस्ट। शर्लिन चोपड़ा द्वारा दर्ज कराए गए एक केस में एक्ट्रेस को अरेस्ट किया गया है, जिसकी जानकारी शर्लिन चोपड़ा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर कर दी है, लेकिन घंटों पूछताछ के बाद राखी बाहर आ गई है। आलिया भट्ट ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया कि किस तरह वो प्रेगनेंसी के बाद वेट को लेकर चिंता में थी। एक्ट्रेस ने बताया कि ग्लैमर से भरे इंडस्ट्री में होने के कारण स्क्रीन पर अच्छा दिखना बहुत जरूरी है, जिस वजह से जिम करके खुद को फिट रख रही हैं। अपने वजन को लेकर वो खूब चिंता में थी और अब फिल्म्स में वापस आने के लिए वो वेट पर काम कर रही हैं। किंग खान ने अपनी फिल्म पठान के कॉन्ट्रोवर्शियल सॉन्ग बेशरम रंग पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा, बेशरम रंग जैसे गाने को करने के लिए आपको दीपिका के कद का कोई चाहिए होता है। इसके साथ एक्शन करना, जहां वो लड़के को अपने ऊपर खींचती हैं और उसे पीटती हैं, वो एक्शन करने के लिए भी काफी टफ है। दीपिका एक्शन सीन्स में मुझसे ज्यादा टफ लगी हैं। इस तरह का कॉम्बिनेशन केवल दीपिका जैसे स्टार्स में ही देखने को मिल सकता है। ट्विटर पर एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है, ब्रेकिंग न्यूज, सचिन तेंदुलकर ने शुभमन गिल के साथ बेटी सारा की सगाई की घोषणा की है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। लोगों के निशाने पर आए सैफ अली खान बॉडी शेमिंग का हुए शिकार। देखिए आप भी क्या कहा नेटिजंस ने। नौरा फतेही ने कौन मैन सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज कराए गए बयान में शॉकिंग खुलासा किया है। रिपोर्ट्स की माने तो नौरा ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि मैं सुकेश को पर्सनली नहीं जानती थी और ना ही कभी उससे बात हुई, लेकिन एक इवेंट में लीना मारिया नाम की महिला से मिली थी जो कि सुकेश की पत्नी निकली। लीना ने मुझसे कहा था कि सुकेश उनका बहुत बड़ा फैन है। मैं बस इतना जानती थी सुकेश किसी एलिस कॉर्पोरेशन के लिए काम करता है। वही सुकेश की एसोसिएट पिंकी ने नौरा के कजिन से कहा था कि जैकलीन फर्नांडिस भी सुकेश के लिए लाइन में है, लेकिन सुकेश नौरा फतेही को चाहता है। वो चाहता है कि नौरा उसकी गर्लफ्रेंड बने। ऐसा होता है तो सुकेश नौरा फतेही को सारी सुख सुविधाएं देगा। हाल ही में जैकलीन फर्नांडिस दिल्ली के कोर्ट में पेश हुई थी। उस दौरान उन्होंने सुकेश से जुड़ी कई बातों को रखा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा, सुकेश चंद्रशेखर ने मेरे इमोशंस के साथ खेला है, उसने मेरे करियर को बर्बाद कर दिया। सुकेश ने मुझे पिंकी ईरानी से मिलवाया था, जिसे वो सरकारी अधिकारी बताता था। हाल ही में पीएम मोदी ने कहा था कि फिल्मों पर गैर जरूरी बयान देने से बचना चाहिए। अब इस पर फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने अपनी राय दी है। उन्होंने क्या कहा है, आप खुद ही सुन लीजिए। वो अगर 4 साल पहले कह देते तो वाकई फर्क पड़ता। अभी तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपने ही लोगों को काबू कर पाता है। मतलब चीजें हाथ से बाहर निकली हुई हैं।